खरगोन जिले के बिस्टान थाना अंतर्गत ग्राम दाऊद खेड़ी में करीब 12 बजे प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध मुरुम उत्खनन के मामले में खनिज विभाग ने कार्यवाही की है। कार्यवाही के बाद खनिज विभाग ने एक जेसीबी और 8 ट्रैक्टरों को जब्त कर रैली की तरह थाने पर लेकर आए। खनिज अधिकारी सावन चौहान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि खरगोन जिले के बिस्टान क्षेत्र के दाऊद खेड़ी में मुरुम का अवैध उत्खनन हो रहा है। खनिज अधिकारी चौहान ने मौका स्थल की गूगल लोकेशन ली और अपनी टीम को तैयार किया। इसके लिए दो दल बनाए और एक दल के साथ खनिज अधिकारी और दूसरे दल में खनिज निरीक्षक प्रियंका अजनार को मौका स्थल पर अलग अलग मार्गों से पहुंचे। खनिज अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ग्राम दाऊद खेड़ी की शासकीय पहाड़ी पर एक जेसीबी मुरम खोद रही थी और 8 ट्रैक्टर मुरम भरने के लिए कतार में खड़े थे। खनिज अधिकारी ने जेसीबी तथा ट्रैक्टरों को तत्काल जब्त किया। सभी को थाना बिस्टान की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज खनिज विभाग द्वारा एक और कार्रवाई की गई। लगभग 12 बजे के करीब जब मैं ऑफिस में बैठा था तो मेरे पास एक मुखबिर की सूचना आई कि ग्राम दाऊद खेड़ी में एक अवैध उत्खनन हो रहा है मुरम का जोरों पर। मैंने मेरी टीम को लेकर सीधा दाऊद खेड़ी पहुंचा और वहां पर मैंने देखा कि एक जेसीबी और 6-7 ट्रैक्टर खड़े हैं और मुरम का उत्खनन कर रहे हैं। तत्काल उसको जब्त किया और थाना बिस्टान में ले जाकर उसको जब्त किया। इस प्रकार की कार्रवाई सतत चलती रहेगी और अवैध उत्खनन और करने वालों को हम यहाँ पर पनपने नहीं देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।